Good morning, children. Welcome to the class of English. Now, students, today we will begin our unit 6, The Girl with the Magic Eyes. Now, it is a very beautiful story which you will always love to listen. And many a times I tell this story in many of the classes. Now, this is a lesson. This is a lesson of two girls, two friends, best friends, Devi and Riya. They both were best friends. They spent most of the time together, always doing homework together, going to school, coming back home, playing together in the evening. Right? They were staying besides each other. वो अपने एक दूसरे के आसपास ही रहते थे. पूरा समय देवी और रिया साथ में ही बिताते थे. दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे. कुछ सीक्रेट्स नहीं रखते थे. हमेशा एक दूसरे के साथ सब शेयर करते थे. And they both were good girls. और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे. होमवर्क भी साथ में ही करते थे. तो वैसे एक बच्चे की ये, दोनों लड़कियां की ये स्टोरी है, द गर्ल विद द मैजिक आईज. देवी एंड रिया वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर इन द क्लास. दे सेट टुगेदर, क्लास में साथ में बैठते थे. ड्यूरिंग लंच टाइम दे एट टुगेदर एंड इन द इवनिंग दे प्लेड टुगेदर. दे शेयर्ड एवरीथिंग. देयर वॉज नो सीक्रेट बिटवीन देम. देवी और रिया के बीच में कुछ भी सीक्रेट नहीं था. दे यूज टू स्पेंड अ वेरी मच क्वालिटी टाइम टुगेदर. नाउ ये एक इंसिडेंट बताया गया है जो एक दिन वो लोग वापस आ रहे थे स्कूल से, तब हुआ उनके साथ एक इंसिडेंट. उसके बारे में ये स्टोरी है. सो एज आई रीड आई विल एक्सप्लेन यू. आज मैं बहुत लंबी स्टोरी है तो आज मैं आपको हाफ पार्ट बताऊंगी. हाफ पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. ओके बच्चों, ओके लेट्स बिगिन. वन डे व्हेन देवी वॉज गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग विथ रिया, शी मैट अ स्ट्रेंज मैन जस्ट आउटसाइड हर हाउस. द मैन लुक टायर्ड. He asked Devi, My child, can you give me some water? Devi looked at him and was slightly scared. The man looked frightening with his long beard and torn clothes. Right? एक बार जब देवी अपने घर जा रही थी, रिया के घर से जा रही थी, अपने घर के पास ही खेल के, they were playing together and she went home, she were going home. She met a strange man. एक बहुत ही strange मतलब एक विचित्र बोलते हैं ना, ऐसे इंसान को देखा उसने. स्ट्रेंज मैन, ओल्ड मैन था, बूढ़ा इंसान था वो. उसने देवी से क्या मांगा कि आई वॉन्ट सम वाटर, प्लीज़ गिव मी सम वाटर. स्कैड मतलब डर जाना. रिया को क्या हुआ, देवी को क्या हुआ, वो डर गई. स्कैड मीन्स डर जाना. द मैन लुक फ्राइटनिंग, डरावना था वो. कैसा था, फ्राइटनिंग, डरावना था. उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी थी, लंबी दाढ़ी और फटे हुए कपड़े पहने थे उसने, तो उसको देख के कोई भी डर जाए. ब्लैक आईज विच सीम टू होल्ड हर, ऐसी उसकी आंखें थी कि जैसे उसको जैसे पकड़ लिया हो ना आंखों से, ऐसा लग रहा था. बहुत ही डरावना इंसान था. शी लुक्ड एट हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स विदाउट सेइंग एनीथिंग, कुछ भी बोले बिना वो देख रही थी उसको. द मैन अगेन सेड, डियर चाइल्ड प्लीज गिव मी वॉटर, I am very thirsty. Devi shivered. Shivered मतलब अपने हम बोलते हैं ना जो ध्रुजवु गुजराती में बोले ना, ध्रुजी गई एकदम. Right? Devi shivered as she listened to his voice. Slowly she checked her bag. Her water bottle was in the bag and it was full. Nervously मतलब डरते हुए, नर्वसली मतलब हम डर जाते हैं ना वो. शी हेल्ड इट आउट टू हिम एंड सेड, हियर यू आर. उसने बॉटल देखा बैग में, तो उसके अंदर बॉटल थी और वो भरी हुई थी, तो उसने डरते हुए उसको बॉटल दे दी, हियर यू आर करके. ही ऑलमोस्ट स्नैच द बॉटल एंड ड्रैंक ऑल द वाटर इन सेकेंड्स. स्नैच करना मतलब छीन लेना. छीन लेना, उसने बॉटल छीन ली उसके पास से, क्या कर दिया, एकदम झड़क से ले ली और पी लिया पानी. एक दो सेकेंड में तो पूरी बॉटल उसने गटक दी. द मैन रिटर्न द बॉटल टू हर एंड सेड, थैंक यू डियर, यू आर एन एंजल. एंजल मतलब परी. क्या हो गया, वो परी हो गया. उसने थैंक यू बोला. व्हाई डोंट यू आस्क मी फॉर समथिंग,
I can give you anything you want. Devi said, ask you for something? Why should I? I don't want anything. The man said, come on child, don't waste my time. I am a very busy person, you know. Be quick, think of something you want. I can give you anything you ask for. अब पानी दे बॉटल देके थैंक यू बोल के उस इंसान ने क्या बोला, ओल्ड मैन ने क्या बोला कि चलो बेटा यू आर अ वेरी गुड गर्ल, तुम तो एक एंजल हो, फरिश्ता हो, परी जैसी हो तुम, क्योंकि तुमने मुझे पानी पीना था और मुझे पानी दिया तो यू आर लाइक अ एंजल, तो तुम्हें जो भी चाहिए मेरे पास से मांगो, तुम जो भी मांगोगे आई विल गिव यू. क्या बोला उस बूढ़े इंसान ने कि आई कैन गिव यू एनी थिंग यू आस्क मी फॉर. नाउ बच्चों देखो जनरली ऐसा क्या होता है कि हमने हमारे पेरेंट्स भी मना करते हैं कि कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करना, जिसे हम नहीं जानते उसके साथ बातें नहीं करना है, वो कुछ अगर दे तो हमें लेना नहीं है. तो देवी की मम्मी ने उसको ऐसे ही सिखाया था कि किसी भी स्ट्रेंजर के पास कुछ भी लेना नहीं. तो उसने बूढ़े इंसान ने 2-3 बार बोला कि तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा. बट देवी ने क्या बोला कि नहीं आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग. वो क्या बोला कि वाई शुड आई आस्क, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग. क्या बोला कि नहीं मैं क्यों आपसे कुछ मांगू, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगना मुझे. तो वापस उस इंसान ने क्या उसको फोर्सफुली बोला कि कम ऑन चाइल्ड, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो मेरे पास से, मैं मना नहीं करूँगा. वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल गिव दैट टू यू, राइट. ऐसा उसने वापस बोला. अब जनरली देखो इंसान ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, बहुत आपको पटाते हैं कि चलो चलो कुछ भी मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए ये वो, राइट. तो देवी वॉज सरप्राइज्ड, शी वंडर्ड इफ ही कुड गिव एनी थिंग शी वॉन्ट्स, वाई डिड ही आस्क हर फॉर वॉटर. बट शी वॉज टू स्केर्ड टू आस्क हिम अबाउट दैट. शी सेड आई डोंट थिंक आई नीड एनी थिंग, माई मदर हैज़ टोल्ड मी not to take anything from a stranger. Besides, I don't want to ask for anything in return for the water I gave you. Now, Devi is really a good girl. वो अपने मम्मी पापा की हमेशा सोच समझती है, हमेशा सुनती है. She is an obedient girl. वो अपनी मम्मी पापा की सब बातें मानती है, ऐसी अच्छी लड़की है वो. तो देवी ने क्या बोला, उसको सरप्राइजिंग लगा कि ये मैन ऐसा बोल रहा है कि तुझे जो चाहिए वो सब मैं दूंगा, तो उसने मेरे पास से पानी क्यों मांगा, वाई ही आस्क फॉर वाटर. वो खुद भी तो पानी, वो अगर कुछ भी वो दे सकता है तो अपने लिए पानी भी ले सकता था, मुझसे क्यों पानी मांगा, वो ऐसा सोच रही थी. पर वो डर के मारे, शी वॉज स्केर्ड, स्केर्ड डर रही थी, इसीलिए उसने उस बूढ़े आदमी से वो पूछा नहीं. शी डिड नॉट आस्क दैट ओल्ड मैन कि वाई डिडंट यू हैव वाटर फॉर योर सेल्फ, मेरे पास क्यों पानी मांगा, पर उसने पूछा नहीं, उसको डर लगा. फिर उसने आगे क्या बोला कि नहीं नहीं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी मम्मी ने बोला है कि किसी स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करना, किसी के साथ कुछ चीज़ें लेना नहीं, और मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मुझे जो भी चाहिए वो मेरे मम्मी पापा लाके देते हैं, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग. और मैंने आपको पानी दिया उसमें कोई बात नहीं है, पानी के बदले में मुझे कुछ आपसे चाहिए नहीं, वैसा बोला. द मैन लुक्ड हैप्पी. फिर वापस क्या बोला उस मैन ने, He said, very well, you are a well-behaved child who remembers her mother's word. You also have a helping nature, so I am going to give you magic eyes. अब ये सब देवी की बातें सुन के वो strange old man था, he became very happy. उसको बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह बेटा, तू तो बहुत अच्छी लड़की है, तू एंजल तो है, सबको हेल्प तो करती है, जैसे मुझे पानी चाहिए तो तूने मुझे दिया, तू हेल्प तो करती है, पर तुझे तेरे मम्मी पापा के वर्ड्स भी याद है कि जो मम्मी पापा ने तुझे सलाह दी है वो भी तू भूली नहीं है, तुझे याद है सब, तेरा नेचर भी बहुत हेल्पिंग है, तो यू आर अ गुड गर्ल, सो आई एम गोइंग टू गिव यू मैजिक आइज. क्या बोला उसने कि मैं तुझे मैजिक आइज देता हूँ. नाउ यू ऑल नो वॉट इज़ मैजिक, मैजिक इज़ जादू, राइट, कि मैजिक आइज दे रहा हूँ मैं. Devi said, magic eyes? I have never heard of any magic eyes. फिर देवी ने बोला कि magic eyes? जादुई आँख? मैंने ऐसे जादुई आँख जैसा कुछ सुना नहीं है. ऐसा उसने बोला. क्या बोला?
उसने ऐसा बोला राइट. द मैन स्माइल्ड एंड सेड वेल यू हैव देम नाउ. एज सून एज ही सेड दैट ही डिसअपीयर्ड. डिसअपीयर होना मतलब छूमंतर हो जाना. क्या हो जाना? छूमंतर हो जाना. क्या हो जाना? छूमंतर हो जाना. वो ओल्ड मैन छूमंतर हो गया. क्या हो गया? ही डिसअपीयर्ड. दिखाई नहीं दे रहा था. ऐसा उसने बोला कि आई विल गिव यू मैजिक आइज. मैजिक आइज बोल के वो कि तुम्हारे पास मैजिक आइज आ गई, मैंने तुमको दे दी. ऐसा करके वो छूमंतर हो गया. देवी वॉज स्टंड. वो शॉक्ड हो गई. कैसा हो गई? क्या देख के? क्योंकि वो आराम से वो इंसान खड़ा था और वो छू हो गया कहीं पे. चला गया, दिखाई नहीं दे रहा था. तो देवी बहुत ही डर गई. वो स्टन हो गई, शॉक हो गई. क्या हो गई? वो शॉक्ड हो गई, एकदम शॉक्ड हो गई. शी जस्ट स्टूड देयर लाइक अ स्टैच्यू. वो ऐसे स्टैच्यू की तरह स्तब्ध हो गई. ये क्या हुआ? वो इंसान बातें करता हुआ छूमंतर हो गया, चला गया कहीं पर. फॉर अ फ्यू मोमेंट्स देन शी रैन टूवर्ड्स हर हाउस. फिर वो दौड़ के अपने घर पे चली गई. घर के थोड़ी आगे हुआ, उसका घर नज़दीक ही था. तो वो इंसान छूमंतर हो गया, ओल्ड मैन. तो वो बहुत ही स्टैच्यू की तरह हो गई, शॉक्ड हो गई. कैसे कोई इंसान गायब हो सकता है? गायब कैसे हो गया ऐसे? फिर वो दौड़ के अपने घर चली गई. कहाँ चली गई? देवी रीच द हाउस एंड रैंग द डोर बेल टिल हर मदर ओपन द डोर. एज सून एज सी ओपन सॉ हर मदर शी थ्रू अवे हर बैग एंड हग्ड हर टाइटली. हर मदर वॉज सरप्राइज्ड. शी सीड व्हाट हैपेंड देवी? एनी प्रॉब्लम? काम डाउन एंड टेल मी. अब वो इतना शॉक्ड हो गई थी कि भाग के अपने घर गई और कंटिन्यूसली डोर बेल बजाने लगी. उसकी मम्मी ने खोला नहीं तब तक, और जैसे ही उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला, वो टाइटली उसको हक कर दिया. वो उससे लिपट गई एकदम ज़ोर से. तो उसकी मम्मी को लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये इतना डर क्यों रही है, उसकी मम्मी को लगा राइट. फिर उसे बोला, देवी बेटा क्या हुआ? शांति रखो, काम डाउन, लेट मी नो क्या हो गया, टेल मी. देवी सेड आई हैव गॉट मैजिक आइज. क्या बोला देवी ने? कि आई हैव गॉट मैजिक आइज, मेरे पास जादुई आँख है. वॉट डू यू मीन बाय मैजिक आइज? सेड हर मदर. उसकी माँ ने बोला कि मैजिक आइज वो क्या होता है? वो ऐसा कुछ नहीं होता. आई डोंट नो, आई मेट अ स्ट्रेंजर नियर अवर हाउस. ही आस्क्ड फॉर सम वाटर एंड आई गेव हिम द वाटर. He has given me magic eyes. फिर उसने क्या बोला कि घर के पास में एक ओल्ड मैन, ए ओल्ड स्ट्रेंज मैन, एक विचित्र ऐसा ओल्ड मैन मुझे मिला. उसने मेरे पास पानी मांगा, मैंने उसे पानी दिया, तो उसने मुझे मैजिक आइज दिया. Her mother looked worried. I don't know what are you talking about. Haven't I asked you not to talk to strangers? How can anybody give you magic eyes? Your eyes look the same to me. I don't see any magic in them. उसके बाद क्या बोला कि what you are saying? उसको चिंता होने लगी उसकी मम्मी को कि क्या बोल रही है, तो कुछ बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. मम्मी ने उसको थोड़ा डांट के बोला. फिर बोला कि मैंने बोला है ना तुझे कि कोई स्ट्रेंजर के साथ बात मत करना, फिर क्यों तूने बात की उसके साथ? और मैजिक आइज जैसा कुछ नहीं होता है, तेरी आँखें तो जैसी है वैसी ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता राइट. ऐसा बोला. देवी डिडंट से एनीथिंग. शी प्लेड फॉर सम टाइम, वॉच टीवी, हैड हर डिनर होमवर्क डिनर एंड वेंट टू बेड. उसने फिर घर जाके उसने थोड़ा खेला, फिर टीवी देखा, खाना खाया, होमवर्क किया और सो गई राइट. फिर वो इतना करके वो सो गई. उसके बाद उसको एक ड्रीम आया राइट. नाउ व्हाट वाज दैट ड्रीम? दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. अब ये इतनी स्टोरी मैंने की आपको कि देवी के साथ क्या हुआ, अब उसको क्या ड्रीम आया, ड्रीम में क्या हुआ, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन. ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.